माधुरी यूपी से हमारे साथ, स्वागत है माधुरी आपका। जी हाँ, नमस्ते सर। जी यादव। नमस्ते सर। जी यादव, बताइए जी, क्या सवाल है। हमारे बालों में प्रॉब्लम बढ़ रहा है इस तरह से, और हम अपने बालों की कटाई भी करते हैं। बेटा वो आवाज़ टीवी की थोड़ी कम करके बात करिए, टकरा रही है आवाज़, समझ में नहीं आ रहा। आपके बालों की क्या समस्या है? मेरे बाल झड़ रहे हैं। अच्छा, एज बताइए अपनी। 32 साल। अच्छा, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बता दूं जो आपके बाल खूब ग्रोथ करें, झड़ना रुक जाएं, लेकिन ये 2-3 महीने आप इलाज करेंगे। तो देखिए, एक नारियल पानी रोज़ाना मंगाया करें, और इसको आप एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा, वो ले लीजिए 100-200 ग्राम, आधा ग्राम वो नारियल पानी में मिलाकर रोज़ एक बार पी लिया करें। आपके बाल बहुत ग्रोथ करेंगे और झड़ने भी बंद हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए, आपके जो बालों की समस्या है वो ज़रूर दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बाल इतने उतरते हैं कि गुच्छे के गुच्छे वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये कहीं पानी का असर तो नहीं है, या फिर हमारे अंदर ऐसी कौन सी बीमारी आ गई है कि हमारे लगातार बाल झड़ रहे हैं। आप लोग देसी नुस्खे जानकर अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। और देखिए दर्शकों, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप लोग अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी केयर करना भूल जाते हैं, लेकिन ये देसी नुस्खे ऐसे हैं जो ना तो आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट करेंगे, बल्कि आप लोगों को इतना फ़ायदा होगा, इतना बेहतरीन इलाज है, क्योंकि कीमती आप लोगों को नुस्खे यहाँ पर बता रहे हैं सीधे हकीम साहब। तो सिर्फ आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। नाम क्या है आपका? मुनिंद्र। मुनिंद्र जी, सवाल कीजिए। सवाल ये कि मेरी माता जी हैं करीब 85 साल की, तो उनके करीब पिछले 30 से अल्सर है। ठीक है, तो न तो वो नमक खा सकती है, न छाछ दही, न खट्टा कुछ भी, केला या दूध या बिल्कुल बिना मसाले की सब्जी खाती है। अगर थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए तो लूज मोशन हो जाता है। तो उनके लिए कोई आपके नुस्खा या कोई सलाह है? ठीक है, तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी माता जी हयात हैं, 85 साल की। ये बहुत कीमती हैं, और बहुत कीमती ये बात भी है कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बेटा माँ के लिए तड़पता है। अच्छा देखिए, उनका भी इलाज है, थोड़ा लंबा चलेगा। अंजीर आप जानते हैं, अंजीर, अंजीर रोज़ाना 2 लीजिए। सूखी हुई अंजीर मिलती है, और उसे 1 पाव दूध में बॉयल करिए, खूब बॉयल कीजिए, उसमें मिक्स हो जानी चाहिए, और फिर वो जो मटेरियल बचे अपनी मम्मी जी को उसे खिला दिया करिए। एक आता है बेल पत्थर, पत्थर बेल जिसे कहते हैं, अभी तो नहीं मिलेगा लेकिन अभी ख़त्म हुआ है, जिसका शरबत भी लोग पीते, पीला पीला होता है और खोपड़ी नुमा ऐसा, पत्थर बेल कहते हैं उसे, और गर्मियों में मिलता है, इसे इंग्लिश में कोविट कहते हैं। ये जब ताज़ी हो तो ताज़ी खिलाया करिए, और खूब खिलाया करिए, और इस वक्त वो नहीं मिलेगी तो इसका मुरब्बा मिलता है, मुरब्बा 1 कतला 2-3 इंच का रोज़ाना निहार मुंह उन्हें खिला दिया करिए पानी के साथ, और शाम को ये जो मैंने अंजीर बताया उबाल के दिया करिए। मुझे उम्मीद है उनको राहत होना शुरू होगी, काफ़ी वक्त लगेगा। बहुत ख्याल रखिए, बहुत कीमती हैं ये माता जी, और फिर आपको 1 महीने बाद बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। काफ़ी वक्त लगेगा लेकिन ठीक होना मुमकिन है। एक चीज़ आती है अरंडी का तेल, जिसे कैस्ट्रॉल ऑयल कहते हैं, वो भी 2 चम्मच इन्हें पानी या दूध के साथ दे सकते हैं, वो भी बहुत राहत देगा इनको। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं, जाहिद हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ बोलिए मैम। जी सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल है कि बहुत परेशान रहते हैं, तबियत सही नहीं रहती। जी तेज आवाज में बात कीजिए थोड़ा सा। जी आवाज ऊंची करके बात कीजिए, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है, बोलिए सवाल कीजिए।
तबीयत जो है ना कुछ सही नहीं रहती है, एक दो साल से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है? परेशानी समय की तबीयत खराब हो जाती है, कभी हमारी कभी वाइफ की कभी बच्चों की, मतलब टेंट नहीं रहती। तबीयत बहुत खराब रहती है, कुछ ना कुछ इनको शरीर में होता रहता है, घर की टेंशन हो तो इस वजह से भी। देखिए ये किसी ऐसे आदमी से सवाल करना चाहते हैं जो इनको कोई दुआ तावीज़ या ये कुछ बता दे। बिल्कुल, अगर आपकी कोई बीमारी है तो बीमारी बताइए मुझे, तो मैं उसका इलाज बता सकता हूँ, और वो सब दुआ तावीज़ तंत्र मंत्र मैं नहीं बता सकता, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दर्शकों आप लोग देखिए रोग संबंधी कोई भी प्रश्न यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के रोग के लिए यहाँ पे देसी नुस्खे बताए जाते हैं, यूनानी पद्धति से आपको जोड़ा जाता है, आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, प्राकृतिक उपचार आप लोगों को बताए जाते हैं, और ऐसे देसी नुस्खे जो आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल लेके आना है, खुद ही पीसना है, पिसी पिसाई कोई भी चीज़ नहीं लानी है, और अगर कोई भी बात सुनने से आप लोग चूक जाते हैं तो हमारे अनुभवी डॉक्टर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगी अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के लिए, आप सभी से जुड़े हुए हैं हकीम साहब, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों सिर्फ आप लोगों के नंबर्स पे कांटेक्ट करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे रोग को लेके हम आपसे चर्चा करते हैं हकीम साहब, बहुत सारे कॉलर्स की कॉल्स भी आती है अलग अलग रोगों को लेके, लेकिन अगर हम अभी के वातावरण की बात करें, अभी के एक बड़ी संक्रमण हो महामारी हो उसकी बात करें, तो व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी बीमारी के साथ साथ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाकर रखे, उसके लिए क्या कुछ देसी नुस्खे हो सकते हैं? हाँ देखिए, ये हमारा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, जिसमें अपनी जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग भी ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं हो सकता, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे फोर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, आप देख रहे हैं, पढ़ते आप सुनते होंगे, खबरें देखते होंगे, सबको होता है। अपने आप को बचाना और जो हुकूमत की तरफ से एहतियात हैं, डॉक्टर्स की तरफ से एहतियात हैं, फासला रखें लोगों से दो गज का, और सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, बहुत ज़रूरत हो तो बाहर निकलें, और एक बड़ा अच्छा सैनिटाइज़र एक दो बता देता हूँ जिसे आप खुद बना लें। देखिए सैनिटाइज़र भी महंगा आता है, हर आदमी नहीं ले सकता, मैं जानता हूँ 80% जनता यहाँ की गरीब है, तो एक लीटर पानी लें, उसमें 1 ग्राम आप फिटकरी डालें और 1 चम्मच सोडा डालें, इसे हिला लें, ये अच्छा सैनिटाइज़र है, जो गरीब लोग हैं इनके लिए बड़ा अच्छा सैनिटाइज़र है, इसे इस्तेमाल किया करें अपने हाथ पैरों पे, और रिंग पहन लें तांबे के, इसमें भी और इसमें भी, ये बहुत अच्छा सैनिटाइज़र है। पुराने लोग इसको कड़ा भी पहनते थे और रिंग भी पहनते थे, ये एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कीटाणु के लिए ये बहुत कीटाणु मारने वाला है, तो वो रिंग पहन लें, और अंदर से सैनिटाइज़र के लिए आप ऐसी दवाएं या ऐसी ग़िज़ाएँ लें जो आपको बूस्टअप करें और आपकी कुव्वत मुदाफियत यानी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ा दें, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसी यूनानी बहुत सारी दवाइयां बनाता है जिसमें आप इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, और हर शख्स में इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने वाली ताकत होना ज़रूरी है इस रोग से बचने के लिए, और बहुत सारी दवाएं यूनानी भी बनाती है, हम भी बनाते हैं, आप वो लगातार 5-6 महीने खाएं तो आपकी इम्यूनिटी ज़रूरत के मुताबिक हो सकती है। चलिए इसी के साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। दिलीप हैं इलाहाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी। हाँ बताइए। हाँ इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। वो मेरी भतीजी है, उसकी उम्र है 26 साल 27 साल। ठीक है। और उसको जो है लगभग 8 या 10 साल हो रहे हैं। वो चलते चलते वो गिर जाएगी। ठीक है। और उसके चोट लग जाएगी या बैठे बैठे गिर जाएगी, चोट लग जाएगी, बेहोश हो जाएगी। ठीक है। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, आप पूरी बात बताइए। हाँ हकीम जी नमस्ते जी, आदाब। हाँ हकीम जी,
समझ गया मैं, और आगे की बात बताइए। और तो हकीम जी वो जो है चलते चलते गिर जाती है और उसको हाथ पैर अकड़ जाएंगे और मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जांच कराई है आपने अभी तक? नहीं। हाँ जांच कराया है, वो सीटी स्कैन और एमआरआई हुआ तो उसमें तो कुछ आया नहीं। ठीक है, उनका देखिए एक तो उनकी सारी रिपोर्ट हमसे शेयर करें व्हाट्सएप के जरिए, तो हमारी डॉक्टर्स की तरफ से आपको फ़ोन आएगा और वो आपको व्हाट्सएप के जरिए उसकी रिपोर्ट ले लेंगे। ये मामूली मामला नहीं है, बहुत अहम मामला है, इस पर तवज्जो दी जाएगी और हम कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल आप उन्हें ये एलोवेरा का सिरका 3 चम्मच रोज़ाना रात को पानी में मिलाकर पिलाया करें। तो चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं, हमारे साथ पुष्पा हैं गाजियाबाद से। स्वागत है पुष्पा आपका। हाँ मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ मैम, उम्र मेरी 70 साल है। अच्छा। मुझे अस्थमा रहता है बचपन से ही। ठीक है। अच्छा। अस्थमा रहता है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, इतना पुराना अस्थमा है और आज आपसे बात हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ायदा पहुँचे। देखिए दवा के तौर पर आप माजून आर केयर 5-6 महीने लगातार खाएं, गर्म पानी से। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, कोई भी खट्टी चीज़, अलग महिलाओं खट्टी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, सारी छोड़नी है। और घरेलू नुस्खे के तौर पर उन्नाब, अलसी और सपिस्तान 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और इसमें 20 ग्राम पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह, 1 चम्मच रात को सोते वक्त गर्म पानी से लिया करें और 5 बार गर्म पानी पिया करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब यहाँ पे ज़रूर मिल गया होगा, तो उपचार ये ज़रूर अपना लीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। अब एक कॉल इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, उनसे बात कर लेते हैं। अजय हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है अजय आपका। कितनी उम्र है अजय भाई आपकी? 3500। अच्छा, आपकी उम्र तो लग रही है कि आप 65 साल के हैं, माफ़ कीजिएगा, 65 साल का तो मैं होने वाला हूँ और कम उम्र 60 साल का हूँ। और देखिए मेरे बाल ओरिजिनल है, विग नहीं है मेरी। और देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है और वो ये है कि आप रोज़ाना एक नारियल पानी पिया करें, और अगर आपकी हैसियतदार आदमी है हिंदुस्तान में, देखो गरीब लोग भी अमीर लोग भी, तो मैं दोनों नुस्खे बताता हूँ। और अगर आप हैसियतदार आदमी हैं तो इस नारियल पानी में 1 ग्राम गौंद मोरिंगा डालकर पिया करें, आपके बाल खूब होंगे, संभाले नहीं जाएंगे। और देखिए मैं 60 साल का आदमी हूँ, मेरे बाल खूब है अभी तक, लोग ताज्जुब करते हैं, मेरे भी गिनने शुरू हो गए थे तो मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया था और अभी तक मैं लेता हूं और हो सकता है कि मेरे बाल और काफ़ी दिन चलें। बिल्कुल, तो देखिए आपके बहुत खूबसूरत बाल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये घरेलू उपचार अपनाने होंगे जो अभी हकीम साहब ने आपको यहाँ पे बताए हैं। हकीम साहब, जब भी आप कहते हैं कि व्यक्ति जब खाना खाए तो वो 32 बार तो चबा के ही खाए तभी वो पच सकता है, एक आप लहसुन के फ़ायदे भी बहुत बताते हैं, तो लहसुन जो होता है व्यक्ति खा नहीं पाता है तो वो निगल लेता है चाहे वो पानी से ही, तो क्या कुछ उसके नुकसान हो सकते हैं? अच्छा देखिए, पहले मैं भी सुनता हूँ, बचपन से सुनता हूँ जी, कि लहसुन निगल लो। अच्छा लहसुन निगल लेते हैं ना तो वो ऐसे ही निकल जाता है, बगैर फायदा पहुँचा, साबुत ही निकल जाता जी। है तो लहसुन निगलना नहीं चाहिए, या तो पीस के डाल दें। और मैं तो ज़ाती तौर पर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो रोज़ाना 5-10 लहसुन के पीस निवाले में रख के खाता हूँ। एक निवाला सालन से लगाया, मुंह में रखा और चबाने लगा, एक लहसुन उठाया, मेरे पास हमेशा लहसुन आता है, एक टाइम ज़रूर उसके साथ चबा के खा जाता हूँ। ऐसे 5-10 पीस रोज़ाना खाता हूँ, कोलेस्ट्रॉल की, दिल की और दमे की शिकायत नहीं होती, पेट में बहुत फ़ायदा करता है और इसमें बहुत फ़ायदे हैं। और लहसुन, अदरक, ज़ीरा ये बड़ा
खाने का वो दवाई का हिस्सा है जो आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें, यानी अदरक और लहसुन ज़ीरा महिलाएं इतना इतना सा डालती हैं, कभी मेरी बात माने, इतना लहसुन और इतनी अदरक डाल के देखें, ज़ीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालें, उस दिन आपके घर वाले खाना खाएंगे और उन्हें थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लगेगी, पाचन क्रिया बहुत तेज़ कर देता है, जितना कोलेस्ट्रॉल है सबको चुन चुन के निकालता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। तो इतना सारा डाल के देखें, मुझे उम्मीद है आपके घर वाले, इतना स्वादिष्ट होता है कि बता नहीं सकते। और आप ये डालें, थोड़ा ज़्यादा खर्च कर लें, डॉक्टर को पैसे ना दें, इसमें खर्च कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।